जनपद सिद्धार्थनगर नगर विकास खंड जोगिया के ग्राम सभा लखनपारा में लाखों का बिनाकार कराए भुगतान का ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान संबंधित कर्मचारी पर आरोप लगाया। वहीं ग्रामीण का कहना है लाखों के भुगतान के बाद भी कहीं भी कोई कार्य नहीं कराया, जबकि इंटरलॉकिंग URCC के नाम पर लाखों भुगतान करा लिया गया लेकिन गांव में कोई कार्य नहीं कराए गए। वहीं इस संबंध में खंड विकास जोगिया एजाज अहमद ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है और खुद गांव जाकर देखते हैं अगर बिना कार्य भुगतान हुआ है तो कार्रवाई किया जाएगा। कौन सा गांव है? लखनपारा। का मामला, का परेशानी है? हमारा शौचालय चले नहीं बनाया साहब, न मिलने नहीं है। रास्ता? रास्ता वो गली है। बना है? रोड बना है? कुछ नहीं, ना रोड बना है, कच्ची है। मतलब यहाँ पता चला है कि ईंटा खड़ंजा लग गया है, सीमेंट का रोड बन गया तो रोडवा है? साहब हमारे वहाँ कुछ नहीं बना, देख लीजिए गली है पूरा। सफाई कर्मी नहीं आते? नहीं बना है। सफाई कर्मी आते हैं? हम लोग लखनपारा। क्या मामला है कि आपके गांव का विकास नहीं हुआ? गांव में कोई काम नहीं कर रहे हैं, प्रधान जी जब से कोई काम नहीं दिखाई पड़ता। कितने साल से प्रधान है यहां पे? प्रधान तो ये ईश्वर का नाम जिला प्रधान है और काम करने वाले कोई और हैं। कौन करता है इनका काम? इसमें तो दूसरे क्या नाम भैया? क्या मन्नू है, उसके पहले कोई और था। ऐसा क्यों कि आप प्रधान किसी को चुनते हैं और प्रतिनिधि को और कोई करता है? जब प्रधान जो है उस लायक नए प्रधान को खड़ा करते हैं, अपने प्रतिनिधि को अपने इच्छानुसार काम कराते हैं। वोट तो आप देते हैं, प्रधान आप बनाते हैं, तो प्रतिनिधि कहाँ से आ जाता है? तो बात एक आदमी तो बनाता नहीं है, गांव के तमाम लोग बनाते हैं। तो जैसा जब बिकने वाले बिकने वाला समाज बिक जाते हैं लोग पैसा लेकर के। तो इस समय आपके गांव का विकास कार्य कितना हुआ है आज तक? विकास कार्य हमारे लिए कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो आज 20 साल पहले था वही आज भी है। चाहते क्या हैं आप? चाहते गांव का विकास हो, गांव का हक दोनों संजा सही हो, नाली सही हो, शौचालय देता हूँ। शौचालय ऐसे बने हुए हैं जिसमें जो है न छत लगा है न गड्ढा खुदा है। प्रधान द्वारा कितना काम कराया गया? अब प्रधान द्वारा जब उसकी कार्य योजना हमें मालूम बताया कि ना काम तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, ना कोई खड़ंजा लगा, हमारे कोई बीच नहीं लगा, खड़ंजा नबाद में कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज 20 साल पहले जो हुआ कहीं हुआ है गांव में, उधर मुस्लिम टोली में कुछ काम दिखाई पड़ रहा है, वहां कुछ हुआ है। तो ये दोहरी नीति क्यों आपके साथ अपनाई जाती है? अब दोहरी नीति अब इसके बारे में क्या बताया क्यों अपनाते हैं लोग? क्या वोट का कारण है? जरूर वोट का कारण होगा। जैसा जो जहाँ के लोग अधिक वोट देते हैं ये उनके पास तो अच्छा व्यवहार होता है। विकास खंड कौन सा है? विकास जोगिया है। कितने सालों से उपेक्षित है? उपेक्षित तो बहुत दिनों से है। सर आपके क्षेत्र में लखनपारा ग्राम सभा आता है, वहाँ ग्रामीणों का कहना आरोप है कि इंटरलॉकिंग और RCC के लिए बजट खारिज हो गए लेकिन आज तक निर्माण नहीं हो पाया। मैंने वहाँ शिकायत प्राप्त की थी तो मैंने वहाँ के जो सेक्टर अफसर हैं जी उनको यहाँ पंचायत हुई, उनको जाँच के लिए किया है कि जाँच अच्छा देखे प्रस्तुत कर दें तो भी जाँच अच्छा मिली है जी। तो गड़बड़ी की है तो कार्रवाई की जाएगी। तो सर कारण जी जी बिल्कुल, लेकिन पूरा गांव आक्रोशित देखा गया, हम लोग वहां गए थे। ये कंडीशन कि इतने लगभग गांठ गांठ भर कचड़े हैं, विकास के नाम पर शून्य देखा जा रहा है। सर आपकी भी मॉनिटरिंग कभी होती होगी गांव पर? ठीक है, मुझे जाना भी है यार, मैं जाऊंगा वहां लखनपारा जी, देखूंगा। ठीक सर।